बच्चों आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको महाभारत की कथा बता रही हूँ और जिसमें मैंने लाख के घर कल के वीडियो में बताया था। लाख के घर की कथा ऐसी थी कि दुर्योधन तो हमेशा से पांडवों से ईर्ष्या करता था ही और हमेशा ये चाहता था कि उसके रास्ते का कांटा निकल जाए और उसे दोष भी न लगे। बहुत प्रयास किया, बहुत कुछ चाहता था, पिता को भी समझाया, धृतराष्ट्र से भी सहमति ली, उसके मामा शकुनी, मित्र कर्ण सबने उसे समझाया कि कुछ ऐसा किया जाए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, यानी पांडव रास्ते से निकल भी जाएं और दोष भी ना आए। तो योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने के नियति से पिता धृतराष्ट्र को बहुत समझाने की कोशिश की कि आप पांडवों को वारणावत भेज दें, वारणावत के मेले में भेज दें, जिससे कि वो वहां जाएं तो वापस लौट के ना आए। आगे की योजना की जानकारी न दे करके सिर्फ इतना ही कहा। बहुत समझाने पर भी दुर्योधन इस बात को मानने को तैयार नहीं रहा था। तमाम कूटनीतिज्ञों के माध्यम से, तमाम राजनीतिज्ञों के माध्यम से उसने सोचा किस कार्य को ऐसे योजनाबद्ध तरीके से किया जाए कि पिता भी तैयार हो जाए और पांडव भी तैयार हो जाए। तो इतने लोगों के माध्यम से वारणावत के मेले के दृश्य का वर्णन जो था वो पांडवों से किया कि उनके मन में उत्सुकता आ गई कि वारणावत का मेला देखना ही चाहिए। तो उन्होंने धृतराष्ट्र से आज्ञा मांगी। अब आज्ञा मांगने पर तो ये समझिए कि धृतराष्ट्र और दुर्योधन दोनों की मनचाही इच्छा पूरी हो गई। धृतराष्ट्र को पुत्र मोह था, वो अपने पुत्र को नाराज भी नहीं करना चाहता था और पांडु पुत्रों को भी कष्ट नहीं देना चाहता था, परंतु पुत्र मोह कहीं जाता नहीं है। तो उस पुत्र मोह के कारण वो कुछ न चाहते हुए भी अपनी मनसा अपने पिता के सामने रख देता है। अंत में युधिष्ठिर ने जब धृतराष्ट्र से कहा कि वो वारणावत का मेला देखने जाने की इच्छा प्रकट की तो उन्होंने सहर्ष आज्ञा दे दी। माता कुंती को लेकर के उन्होंने वे चल दिए। इधर वो वारणावत के लिए प्रस्थान किए कि इधर कर्णिक और पुरोचन को बुलाकर सारी योजना समझा करके पुरोचन को कि तुम एक शीघ्रगामी रथ लो और वहां जाओ और वहां एक ऐसे भवन का निर्माण करो लाक्षागृह का जो सन घी मोम चर्बी लाख आदि से बना हो, जो आग के स्पर्श मात्र से ही जल जाए और पांडवों को उसी में रहने के लिए जगह दो और समय देखने पर अपनी योजना को रूप प्रदान करो। तो पुरोचन ने भी वही किया, एक शीघ्रगामी रथ लिया। उनके पहुंचने से पहले ही वहां उसने भवन निर्माण की व्यवस्था शुरू कर दी और कुछ दिनों के लिए पांडवों को अलग स्थान पर रखा गया। तो कुछ दिन वो रहे, लेकिन पांडवों की रक्षा कैसे हुई क्योंकि उस लाक्षागृह में तो आग लगाई गई, लेकिन वो आग कैसे लगी, किसने लगाई, कैसे वो बचे,
ये कहानी के इस हिस्से में आएगा जिसे पांडवों की रक्षा पाठ के रूप में मैंने यहाँ लिखा है, तो मैं इस पाठ को पढ़ाने चल रही हूँ। पांचों पांडव माता कुंती के साथ वारणावत के लिए चल पड़े। उनके हस्तिनापुर छोड़कर वारणावत जाने की खबर पाकर नगर के लोग उनके साथ हो लिए। अब जब नगर के लोगों को ये लगा कि किसी भी रूप में ये लोग वारणावत के मेले में जा ही रहे, तो नगर के लोग भी साथ चल पड़े। तो वारणावत के मेले में जाने के समय भी उन्होंने नगर के लोग उनके साथ हो लिए। बहुत दूर जाने के बाद युधिष्ठिर का कहा मानकर नगरवासियों को लौटना पड़ा। उन्होंने नगरवासियों को समझाया कि वारणावत के मेले में जा रहे हैं। नगरवासी उनसे इतना प्रेम करते थे कि उन्हें उनका जाना अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन वो लौटना पड़ा। दुर्योधन के षड्यंत्र और उससे बचने का उपाय विदुर ने युधिष्ठिर को इस तरह गूढ़ भाषा में सिखा दिया था कि जिससे दूसरे लोग समझ ना सके। विदुर बहुत ज्ञानी थे। वहाँ की स्थिति, चाल और दुर्योधन की का षड्यंत्र वो बड़े अच्छी तरह समझ सकते थे, और जिसके कारण उन्होंने एक गूढ़ भाषा में इस बात की जानकारी युधिष्ठिर को दे दी कि तुम्हें बचने के लिए क्या करना है, कैसे करना है, मेले में तुम्हें जाना है तो कितना सुरक्षित रहना, सब कुछ समझा करके उन्होंने बता दिया उन्हें। अब जब वारणावत के लोग पांडवों के आगमन की खबर पाकर बड़े खुश हुए, वहां पहुंचे तो सबको बड़ी खुशी हुई, उनका स्वागत किया। लाक्षागृह जब तक भवन तैयार होने को हुआ, पांडव दूसरे घरों में रहते रहे, इधर उधर रहते रहे, जब तक उनके लिए पुरोचन ने पूरा घर तैयार नहीं कर दिया। जहाँ पुरोचन ने पहले से ही उनके ठहरने का प्रबंध भी कर रखा था, क्योंकि पुरोचन तो उनके पहुँचने से पहले ही वहाँ पहुँच चुका था और उसने पांडवों की पूरी व्यवस्था जो थी वो बना दी थी। तो पुरोचन ने उनके रहने का प्रबंध किया था। भवन में प्रवेश करते ही युधिष्ठिर ने उसे खूब ध्यान से देखा और विदुर की बातें उन्हें याद थी। विदुर ने उन्हें जो समझाया था वो उन्हें याद था। ध्यान से देखने पर युधिष्ठिर को पता चला कि यह घर जल्दी ही आग पकड़ने वाली चीजों से बना है। और जब बहुत विदुर के समझाने के तरीके से और भली प्रकार से देख करके युधिष्ठिर इस बात को अच्छी तरह समझ गए कि ये भवन उन्हीं चीजों से बनाया गया है जो आग की आंच पाते ही पिघल जाएगा। तो इस चीज को वो समझ गए। युधिष्ठिर ने भीम को भी यह भेद बताया और साथ ही सावधान करते हुए कहा, यद्यपि यह साफ मालूम हो गया है कि यह स्थान खतरनाक है, फिर भी हमें विचलित नहीं होना है। उन्होंने कहा, हम तो ये जान चुके हैं कि ये लाक्षागृह है, लेकिन हमें लोग ना जाने इस बात को कि हम इस चीज को समझ गए हैं। हमें इस तरह यहाँ रहना होगा कि जिसके चलते लोगों को ये पता भी ना चले कि हम इस बात को जानते हैं कि भवन किन चीज़ों से बना है। मतलब हमारा हाव भाव, हमारी चीज़ें ऐसी होनी चाहिए कि जिसको देख करके यहाँ के लोग इस बात का अनुभव न कर पाएं कि हाँ, हमने इसे समझ लिया है कि लाक्षागृह जो है वो किस चीज़ का बना है। तो उन्होंने कहा, फिर भी हमें आश्चर्य में लोगों को डालकर ऐसे रहना है कि विचलित नहीं होना है, पुरोचन को इस बात की जरा भी पता ना चले। और उन्होंने कहा कि पुरोचन को तो बिल्कुल ही पता नहीं चलना चाहिए कि वो जान भी पाए कि हमने उसके षड्यंत्र को पकड़ लिया है, हमने उसके षड्यंत्र को पहचान लिया है। उसके षड्यंत्र का भेद अगर हम पर खुल गया, वो इस बात को जान लेगा, तो वो कोई और दूसरा षड्यंत्र चलेगा। बल्कि हमको तो ये करना चाहिए कि हमें मौका देख करके
कुछ ऐसा करना चाहिए कि हम यहाँ से निकल भी जाएं और कोई इस बात को जान भी ना पाए। तो उन्होंने वहाँ से निकलने के लिए कोई ना कोई रास्ता मन में ठाना कि निकालना पड़ेगा, और पर अभी हमें जल्दी से ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए। उन्हें लगा कि अगर हमने जल्दीबाजी में ऐसा काम किया तो संभवतः पूरा वारणावत इस बात को जान जाएगा, ये भेद खुल जाएगा, तो कुछ हम ऐसा करें कि लोग न जान पाए, किसी को भी कानोकान भी खबर न हो कि हम इस बात को जानते हैं कि ये भवन किस चीज का बना है, लाक्षागृह है ये, और शत्रु के मन में जरा भी संदेह भी ना हो, जरा भी संदेह ना हो। तो इस चीज को उन्होंने अपने मन में ऐसे छिपा के रखा कि कोई भी इस चीज को जान ना पाए। अब युधिष्ठिर की सलाह से भीमसेन सहित सब भाइयों तथा कुंती ने भी इस बात को बिल्कुल मान लिया कि हाँ ये बिल्कुल सही है, हमें किसी को भी ये बताना नहीं है कि हम इस बात को जानते हैं कि ये भवन लाख का है। हम चुपचाप इसमें इस तरह रहेंगे कि लोगों को ये लगे कि एक बहुत सुंदर से भवन में हमें रहने का निमंत्रण मिला है और हम यहाँ रह रहे हैं। इतने में विदुर का भेजा हुआ एक सुरंग बनाने वाला कारीगर वारणावत नगर में आ गया। विदुर तो जानते थे कि आज नहीं तो कल दुर्योधन की चाल जो है वो वहाँ कामयाब होगी, तो उन्होंने किसी एक ऐसे विश्वसनीय पात्र को ढूंढा कि जो जमीन के नीचे सुरंग बनाने में कामयाब भी हो और उनका विश्वसनीय भी हो। तो उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढा जो जमीन के नीचे सुरंग बनाना अच्छी तरह जानता हो, उसको उन्होंने वारणावत भेज दिया और उसी भाषा में समझाकर कि जिसे युधिष्ठिर अर्जुन भीम आदि समझ ले, दूसरा कोई ना समझे। तो उन्होंने पूरी तरीके से विदुर ने उसे समझा कर परिचय दे करके वहाँ भेजा। उसने एक दिन पांडवों को अकेले पाकर अपना परिचय देते हुए कहा, आप लोगों की भलाई के लिए हस्तिनापुर से रवाना होते समय विदुर ने युधिष्ठिर से सांकेतिक भाषा में जो कुछ कहा था वह बात मैं जानता हूँ, यही मेरे सच्चे मित्र होने का सबूत है। उसने कहा कि शायद आप मेरे ऊपर विश्वास न करें, इसलिए मैं आपको ये बात बता दे रहा हूँ कि जब आप लोग वहाँ से वारणावत के लिए चले थे तो आपको महामंत्री विदुर ने जो बात बताई थी वो मुझे पता है, और यही मेरी सच्चाई का सबूत है कि मैं आपका सच्चा मित्र हूँ और मैं आपकी मदद करने आया हूँ, तो आप मुझ पर भरोसा रखें, मैं आप लोगों की रक्षा के लिए कुछ न कुछ प्रबंध करूंगा। फिर उन्होंने पूरा विश्वास दिलाया और प्रबंध की योजना बनाई। इसके बाद वो कारीगर महल में पहुंच गया और गुप्त रूप से कुछ दिन में ही उसने एक सुरंग बना दी। फिर वो महल के अंदर रहने लगा और चुपचाप महल के अंदर ही अंदर उसने एक सुरंग बनाई और वो सुरंग कुछ दिनों में तैयार हुई और सुरंग जो थी पूरी गांव के बाहर निकलने तक का रास्ता उससे जोड़ दिया। इस रास्ते से पांडव महल के अंदर से नीचे ही नीचे चार दीवारी और गहरी खाई को लांग कर सुरक्षित बेखटके बाहर निकल सकते थे। तो सुरंग ऐसी बनी थी कि भवन के नीचे से और चार दीवारी के बगल से होती हुई वो सीधे गांव के बाहर निकल गई थी, और जिसके कारण वो उसे कोई जान भी नहीं सकता था। इतने गुप्त रूप से बनी थी कि कोई उसे पकड़ नहीं सकता था और कानों कान इसकी किसी को खबर भी नहीं चली। तो बड़ी खूबी से इस काम को विदुर ने करवा दिया अपने विश्वसनीय पात्र के माध्यम से। यह काम भी इतने गुप्त रूप से इतनी खूबी से हुआ कि पुरोजन को अंत तक इस बात की खबर भी ना लगी कि ऐसा कुछ हो रहा है, और पुरोजन लाख के भवन के द्वार पर ही अपने रहने का स्थान बना लिया था। वो प्रतिदिन क्या करता था, उसी लाख लाक्षागृह लाख के भवन के घर दरवाजे के ठीक सामने ही अपने रहने खाने सोने का प्रबंध कर लिया था कि वही वो रहता खाता था, कि ताकि प्रतिक्षण
पांडवों पर नजर रख सके और प्रतिक्षण की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को वो दुर्योधन तक पहुंचा सके। इस कारण पांडव भी सारी रात हथियार लेकर चौकन्ने रहते थे कि कौन से पल में पुरोचर कौन सा काम करेगा, इस पर भी नजर रखना जरूरी था। तो उसने ये भी किया कि वो सब भी हथियार लिए निरंतर पहरा देते रहते थे, निरंतर चौकसी रखते थे कि ताकि किसी भी तरह से किसी को पता न चले। एक दिन पुरोचर ने सोचा कि अब पांडव का काम तमाम करने का समय आ गया। काफी दिन व्यतीत हो गया था, उसने सोचा कि पांडव अब सब कुछ भूल चुके होंगे, उनके मन में तो ये धारणा भी नहीं होगी कि शायद उनके साथ कोई छल या कपट किया जा रहा है। तो इस तरीके से आचार व्यवहार दिखा करके उसने अपना विश्वास जीतना चाहा पांडवों के ऊपर कि ताकि पांडवों को ये लगे कि वास्तव में उसे जो है इस बात का पता न चल, वो पांडव इस बात को नहीं जानते हैं, ये अच्छी तरह से उसे विश्वास हो जाए। इसी तरीके का व्यवहार पांडवों ने किया भी कि पुरोचर को लगे कि हम कुछ नहीं जानते, यानी हमें किसी भी चीज की गोपनीय खबर नहीं है। तो समझदार युधिष्ठिर के रंग ढंग को ताड़ गए। वह सोच रहा था कि युधिष्ठिर की सलाह से माता कुंती ने उसी रात को एक बड़े भोज का प्रबंध किया। अब माता कुंती ने सोचा कि ऐसा कुछ किया जाए कि लोगों को भी ये लगने लगे कि पांडव बहुत विश्वास पूर्वक यहाँ रह रहे हैं। तो माता कुंती ने एक बड़े भारी भोज का आयोजन किया। वारणावत के मेले में जाने के बदले में उन्होंने लोगों को आमंत्रण देकर बहुत बड़े भोज का निमंत्रण दिया और नगर के सभी लोगों को भोजन कराया। नगर के सभी लोगों को बड़ी धूमधाम से, जैसे कोई बहुत बड़ा उत्सव मनाया जा रहा हो, सभी को बुलाया और लोगों ने वहां आकर खुद छककर खाया पिया, उत्सव मनाया। खूब खा पी कर भवन के सब कर्मचारी गहरी नींद में सो गए। अब जब भली प्रकार से जी भर भर के छक करके लोगों ने खूब खाया पिया, तो खाने पीने के बाद आलस्य से भर कर सब गहरी नींद में गांव के लोग सो गए, पुरोचर भी सो गया और वहाँ जो लोग चौकसी करने वाले थे सारे के सारे सो गए, पुरोचर भी सो गया। आधी रात के समय भीमसेन भवन में कई जगह, उसके बाद भीमसेन उठे और भवन में कई जगह उन्होंने आग लगा दी और फिर पांचों भाई माता कुंती के साथ सुरंग के रास्ते अंधेरे में टटोलते टटोलते बाहर निकल गए। बाहर भवन के बाहर निकले तो वे थे कि आग ने सारे भवन को अपनी लपटों में ले लिया। अर्थात कहने का मतलब कि भीम ने आग लगाई और पांचों भाई और माता कुंती समेत जो पहले से निर्मित सुरंग थी उसी सुरंग को पकड़कर अंधेरे में ही टटोलते टटोलते वो बिल्कुल बाहर निकल गए भवन के। और जब वहां से उन्होंने देखा तो कुछ ही पल में वो भवन जो था, लाख का बना हुआ भवन जो था, वो पूरी तरह आग की लपटों से घिरा पड़ा है। चारों ओर आग से लपटें ऊंची ऊंची उठ रही थी। पुरोचर के रहने के मकान में भी आग लग चुकी थी। नगर के सारे लोग इकट्ठा हो गए, हाहाकार मच गया चारों ओर। पांडव के भवन को भयंकर आग की भेंट देखकर लोग हाहाकार मचाकर रोने थे, पीटने सिर पीटने लगे। उन्हें ये लग रहा था कि ये कौरवों का अत्याचार है, ये पांडवों को मारने की साजिश है। तरह तरह का अत्याचार करते हुए उन्होंने
पांडवों को इस लाक्षागृह में ही जला दिया। तो चारों ओर वहां पर हाहाकार मचा हुआ था। कौरों के अत्याचार से वहां के लोग जो थे बहुत क्षुब्ध और दुखी हो गए, बार बार निंदा करने लगे उनकी, अनाप शनाप बकने लगे कि ये चाल तो देखो, इस भवन का निर्माण करके पांडवों को मरवा दिया कौरवों ने। देखते ही देखते सारा भवन जलकर राख हो गया। पुरोचन का मकान और पुरोचन भी आग की भेंट चढ़ गया। तो पुरोचन भी आग की भेंट में जल गया, यानी वो भी जलकर मर गया। वर्णवत के लोगों ने तुरंत ही हस्तिनापुर में खबर पहुंचा दी कि जिस भवन में पांडव ठहर रहे थे या रह रहे थे, वो जलकर राख हो गया। भवन में कोई भी जीवित नहीं बचा है। धृतराष्ट्र और उनके बेटों ने तुरंत पांडवों की मृत्यु का बड़ा शोक मनाया, क्योंकि दुर्योधन की तो मनचाही हो गई। धृतराष्ट्र के बेटों को लगा कि बस यही तो उन्हें चाहिए था कि वहां कोई भी शेष न बचा हो। तो उन्होंने शोक मनाना शुरू कर दिया कि पांडवों की मृत्यु पर शोक मनाया। इधर पांडव माता कुंती के साथ चलते चलते गंगा के किनारे तक निकल आए। यानी वो सुरंग जो थी पूरे वर्णावत को पार कर गंगा के किनारे तक थी। और फिर माता कुंती को जलांजलि दी। फिर सब मिलकर बड़े जोर जोर से रोते विलाप करते हुए घर लौटे। गंगा के किनारे गए कुरुवंश के लोग कौरव, उन्होंने पांडव कुंती के नाम की जलांजलि दे दी और विलाप करते हुए घर लौट आए। परंतु दार्शनिक विदुर ने शोक को मन ही मन दबा लिया। उन्होंने किसी को ये बात जाहिर नहीं होने दी कि वास्तव में क्या है। पांडव लाख के भवन से बचकर निकल गए, इस बात को सिर्फ विदुर जानते थे। पितामह भीष्म तो मानो शोक के सागर में थे, परंतु विदुर ने उन्हें धीरज बंधाया, पांडव के बचाव के लिए किए गए अपने सारे प्रबंध का हाल भी बताया और उन्हें चिंता मुक्त किया। लाख का जब जलता हुआ घर छोड़ के पांडव जो थे वो अपने माता सहित बचकर निकल आए थे। भीमसेन ने देखा कि रात भर जगने और चिंता और भय के कारण पीड़ित अब चारों भाई बहुत थक गए हैं, तो उन्होंने माता कुंती की भी दशा जो थी बहुत दयनीय थी, तो उन्होंने महाबली भीम तो वैसे ही बलशाली थे, नकुल सहदेव को अपने कमर में बांध लिया, युधिष्ठिर और अर्जुन को कंधे पर बिठा लिया, माँ को गोद में उठा लिया और झाड़ झंकाड़ पेड़ पौधे सब हटाता काटता पिटता चारों ओर से वो चलता लांघता फांता एक सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाते हैं। सुरक्षित स्थान तक वो लोग पहुंच जाते हैं कि जहां पर पांचों भाई और माता कुंती जो है वो सुरक्षित है, तो वहां तक वो पहुंच जाते हैं। अब सूरज भी डूब गया था, रात भी हो चली थी, चारों तरफ अंधेरा होने लगा था। कुंती पांडव तो थकावट के मारे बिल्कुल चूर थे, ऊपर से प्यास लगी थी, नींद भी सता रही थी, चक्कर आने लगा था चलते चलते, अब उनसे जरा भी चला नहीं जा रहा था। सब भाई वहीं जमीन पर बैठ गए, कुंती से तो बैठा भी नहीं जा रहा था। दीन भाव में बोली, मैं तो प्यास से मरी जा रही हूँ, अब मुझसे बिल्कुल चला नहीं जाता। धृतराष्ट्र के बेटे चाहे तो मुझे भले यहाँ से उठा ले जाएं, मैं तो यहीं पड़ी रहूँगी। ये कहकर उन्होंने इस बात को बताया कि मुझसे अब चला नहीं जा रहा, मैं बिल्कुल चल नहीं सकती हूँ, अब चाहे वो मुझे मार दें उठा ले जाएं, और वहीं वो गिरकर बेहोश हो जाती हैं, पड़ी रह जाती हैं। माता और भाइयों का ये हाल देखकर भीम का हृदय बहुत दुखी हो जाता है। भयानक जंगल में बेधड़क घुस गए। इधर उधर घूम घाम कर उन्होंने एक जलाशय का पता लगाया, उसमें पानी लाकर उन्होंने माता और अपने भाइयों को की प्यास बुझाई। पानी पीकर जब चारों भाई और माता कुंती ऐसे सोए कि सारी सुध-बुध उनकी खो गई, इतने थक चुके थे, इतने चूर हो चुके थे कि वो पूरी तरह थक कर चूर होकर
जो भयानक स्थिति थी वो सुदबुद्ध खोकर सो गए। अकेले भीमसेन मन ही मन कुछ सोचता रहा, चिंतित भाव में बैठे थे। पांचों भाई माता कुंती के लिए अनेक विघ्न बाधाओं का सामना करते हुए, बड़ी मुसीबत झेलते हुए जंगली रास्तों से आगे बढ़ते ही चले गए। वे कभी माता को उठाकर तेज चलते तो कभी थके मांदे बैठ जाते। तो किसी भी तरह से भीम के ही बल पर चारों भाई माता धीरे धीरे वो लोग आगे की ओर बढ़ते गए। कभी एक दूसरे से होड़ लगाकर रास्ता पार करते, कभी ब्राह्मण ब्रह्मचारियों की वेश धारण कर धीरे धीरे एक चक्रा नगरी में पहुंच गए। और वहां पहुंचकर वे एक ब्राह्मण के घर जाकर एक शरण ली, ब्राह्मण के घर जाकर उन्होंने शरण ली, वहीं जाकर वो रहने लगे। अब माता कुंती के साथ पांचों भाई एक चक्रा नगरी में पहुंच गए। अब उनके पास कोई उपाय नहीं था, दिन भर नगरी में भिक्षा मांगते कर गुजर बसर करते, करके पूरा दिन बिताते। और भिक्षा के लिए जब पांचों भाई निकल जाते तो कुंती का जी बड़ा बेचैन हो जाता और बड़ी चिंता से बाट जोती। लौटने में जरा भी देर हो जाती तो कुंती तरह तरह की आशंकाओं से भर जाती कि पता नहीं क्या हुआ, पांचों भाई क्यों नहीं अभी लौटे। और जब पांचों भाई भिक्षा लेकर जितना भी भोजन लाते, कुंती उस भोजन को दो हिस्से में बांट देती, क्योंकि भीम जैसे भीमकाय शरीर उन्होंने पाया था वैसे ही उनका भोजन भी अत्यधिक था। तो जितना भी उन्हें दिन भर में भोजन भिक्षा के रूप में प्राप्त होता, लाने पर माँ उसे दो हिस्सों में बांट देती। आधा भोजन वो भीम को दे देती और आधे में सारे लोग भोजन करते। तो ऐसे करके वो बाकी आधे में पांचों लोग भोजन करते, चारों बेटे और खुद कुंती भोजन कर लेती। भीमसेन की भूख उस पर भी नहीं मिटती थी, उतना भी भोजन भीमसेन के लिए तो कम ही था, वो हमेशा भूखा ही रहता। और धीरे धीरे दिन प्रतिदिन वो कमजोर भी हो जा रहा था। भूखा रहने पर वो बहुत दुबला भी होने लगा। अब भीमसेन का हाल देखकर कुंती और युधिष्ठिर तो बड़े चिंतित हुए कि क्या किया जाए कि भीमसेन को कम से कम भरपेट भोजन तो मिले। थोड़े से भोजन से पेट न भरता तो भीमसेन एक कुम्हार से उसने दोस्ती कर ली, उसने मिट्टी आदि खोदने में उसकी मदद की, खुश कर दिया। कुम्हार ने भीम को भीम से भी बड़ा खुश हुआ और उसने एक बड़ी भारी सी हांडी बनाकर उसको दी। भीम उसी हांडी को लेकर भिक्षा के लिए निकलते और विशाल शरीर और अपनी विलक्षण हांडी देखकर तो सारे लोग से देखकर लोटपोट हो जाते और उसी में वो भिक्षा मांगते। एक दिन चारों भाई भिक्षा के लिए गए, अकेला भीम सेन ही माता कुंती के साथ घर पर था। इतने में ब्राह्मण के घर भीतर से बिलख बिलख कर रोने की आवाज आ रही थी। अंदर ही जाकर देखा तो ब्राह्मण और उसकी पत्नी की आंखों में ढेर सारे आंसू भरे हुए थे, रो रहे थे, सिसकियां लेकर एक दूसरे को समझा रहे थे, बातें कर रहे थे कि क्या किया जाए। और उनको रोते देख करके भीमसेन और माता कुंती दोनों ही बहुत व्याकुल हो जाती हैं कि क्या किया जाए। ब्राह्मण बड़े दुखी हृदय से अपनी पत्नी से कह रहा था, कितनी ही बार मैंने तुमसे कहा, तुम्हें समझाया कि इस अंधेर नगरी को छोड़कर कहीं और चलते हैं, मगर तुम हो कि मानती ही नहीं हो। यही हट करती रही कि बाप दादा का गांव है, बाप दादा की जमीन है, यही रहूंगी, अब क्या कहती हो, अब तो अपनी बेटी की भी बलि कैसे चढ़ा दूं और पुत्र को कैसे काल के में जाने दो। कहने का मतलब कि अब ब्राह्मण परिवार जो है वो रो रो के व्याकुल है कि अपनी बेटी अपने बच्चों की बलि चढ़ाकर कैसे मैं यहाँ पर रह पाऊंगा, यदि मैं शरीर त्यागता हूँ तो अनाथ बच्चों का भरण पोषण कैसे होगा, क्या करूँ, हाय अब मैं क्या करूँ। बहुत व्याकुल होकर के रोता है। और कुछ करने से तो अच्छा उपाय है कि हम सभी एक साथ मौत को गले लगा लें। उसने सोचा कि अगर मैं मर जाऊंगा, ब्राह्मण सोचता अगर मैं मर जाऊंगा तो पूरे परिवार का भरण पोषण कैसे होगा।
और अपने जीते जी बेटा बेटी को मार दिया तो मुझ जैसा पापी कौन होगा। तो पत्नी को अगर भेजा तो बच्चों की देखरेख कौन करेगा। तो क्यों ना ऐसा करूं कि हम सब एक साथ क्यों ना मर जाएं, एक साथ मर जाएं ताकि किसी को किसी का कष्ट ना हो। और ये कहते कहते ब्राह्मण सिसक सिसक कर रोने लगा। उसे समझ में नहीं आया कि वो क्या करे। तो जो ब्राह्मण रहता है वो बहुत व्याकुल रहता है, यानी कि इसके आगे की जो कहानी है वो बकासुर वध की कहानी है। बकासुर वध की कहानी है, क्योंकि पाठ थोड़ा सा बड़ा है। पांडवों की रक्षा तो हो गई, लेकिन बकासुर का वध करके कैसे भीमसेन ने सबको सुरक्षित किया, उस कहानी के अंश को मैं अगले बार आपको बताऊंगी। तो अभी आप यहीं तक जानिए कि एक चक्रा नगरी में, सुरंग से निकलकर एक चक्रा नगरी में वो अपने लिए रहने का स्थान बना लिए और वहीं रह करके उस ब्राह्मण के यहाँ शरण लेकर भिक्षा मांगकर भोजन करने लगे। तो यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आ गई है। तो इसके अगले शेष भाग को पढ़ा के मैं प्रश्नोत्तर लिखवाऊंगी। तो आपको आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त कर देती हूँ। इसके आगे की कहानी को अगले वीडियो में लेके आऊंगी। तो आप मेरे साथ बने रहिएगा, तब आप पूरी कहानी समझ पाएंगे। तो आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।